दोस्तों काफ़ी लोगों की कमेंट थी कि किसी भी एम्पलीफायर में आउटपुट में बेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं 4440 एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके आपको इसमें एक बीटी झनकार किट या फिर बेस ट्रेबल किट आप कह सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेस और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेबल आपको देखने के लिए मिलता है। अपने हिसाब से ट्यून करके आप उसके बेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उस किट को फिट करने वाला हूँ। ये किट आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी और ऑफलाइन में भी मिल जाएगी। ये मोंटी की बीटी झनकार किट इसको बोलते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर अपनी भाषा में बोलें तो बेस ट्रेबल किट भी बोल सकते हैं। इसका काम सिर्फ बेस और ट्रेबल को बूस्ट करना होता है किसी भी एम्पलीफायर में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 4440 ले रहा हूँ, बट आप किसी को भी ले सकते हैं, 6283 को ले सकते हैं और छोटे वाले 20-25 एम्पलीफायर को भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आप 4440 में लगा, हर किसी में लगा सकते हैं। इस छोटे वाले में भी लगा सकते हैं जो DTH के अंदर होता है ना, उसके अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं और इसके आउटपुट में आने वाले बेस को 10 गुना तक बढ़ा के इसको एक छोटा होम थिएटर या फिर मिनी होम थिएटर की तरह यूज कर सकते हैं। कि वायरिंग की वीडियोज आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मेरे सिखाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी भी इसकी वायरिंग करना नहीं भूलेंगे, भले इसकी वायरिंग की बात करें भले इसकी वायरिंग की बात करें। और सही कनेक्शन अगर आप करते हैं तो आपका एम्पलीफायर बहुत अच्छा चलता है, और सही तरीके से आप ट्यून करते हैं तो आपका एम्पलीफायर कभी भी ख़राब नहीं होता है। गलत वायरिंग करने पे हमेशा आपके एम्पलीफायर से ख़राब आवाज़ निकल सकती है और आपका एम्पलीफायर कभी ना कभी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आप सही तरीके का इस्तेमाल करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर वॉच करना। स्किप करेंगे तो आपके लिए ही उसमें नुकसान है या फिर आपका ही घाटा है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं, इस झनकार को आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी हम इसके साथ मिलती है, वो आपको दिखा देता हूँ। इसे मैंने ऑफलाइन में ख़रीदा था, लगभग 45-50 रुपये का ऑफलाइन में मिल जाता है, और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में काफ़ी महंगा आपको मिल सकता है। और जो मैंने ऑफलाइन में रेट बता रखा था वो होलसेल का था, आपको उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है और ऑनलाइन में थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है। अगर आप एक पीस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन लेने में आपको बेनिफिट होगा, बाकी आपको सस्ते में ऑफलाइन में मिल जाता है वो भी आप ले सकते हैं। बस इतनी सी एक किट होती है और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। 12 वोल्ट जो आप इसे देंगे उसी से आप इसमें भी 12 वोल्ट दे देंगे, बस इतना इसमें आपको इसको ऑन करवाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये चार यहाँ पर प्रीसेट दिए गए हैं। इन प्रीसेट का क्या काम है, देखिए ये डुअल चैनल का है, डुअल चैनल बोल तो लेफ्ट राइट का, ठीक है। ये एम्पलीफायर भी लेफ्ट राइट पर है और ये भी लेफ्ट राइट का ही है, यानी कि आप यहाँ से दोनों स्पीकर में अलग अलग वहाँ पर आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि किसी एक स्पीकर में आप बहुत ज़्यादा झनकार चाहते हैं तो यहीं से सेट कर सकते हैं, और किसी एक स्पीकर में सिर्फ बेस ही बेस आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये किट सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। देखिए यहाँ पर ये बेस का ये ट्रेबल का ये ड्रिपल का, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है मैं बता देता हूँ। इसके दो पार्ट कीजिए, मतलब तोड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट यहाँ से यहाँ तक कीजिए, ये दोनों यहाँ पर एक चैनल के लिए हैं, ये दोनों यहाँ पर एक चैनल के लिए है, ठीक है। दो एक चैनल के लिए, दो एक चैनल के लिए, एक बेस एक ट्रेबल एक चैनल का, एक बेस एक ट्रेबल एक चैनल का। अब इसके कनेक्शन कैसे होने हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। देखिए इसको उल्टा कीजिए, जस्ट यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, किसी किसी में क्लियर लिखा होगा, किसी किसी में क्लियर नहीं दिखाई दे सकता, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 इसमें पॉइंट्स हैं। यहाँ वाले मत गिनिएगा, सिर्फ यहाँ वाले प्रीसेट वाले पॉइंट्स को छोड़ दें और यहाँ वाले को गिनिएगा, 6 पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट का आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट की बात करूँगा, लेफ्ट का इनपुट यहाँ से होगा और आउटपुट यहाँ से होगा, राइट का इनपुट यहाँ से होगा आउटपुट यहाँ से होगा, ठीक है। 1 2 5 6 जो पॉइंट हैं वो आपके लेफ्ट राइट के इनपुट आउटपुट के हैं। अब बचे दो पॉइंट 3 और 4, ये आपका 12 वोल्ट के लिए है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस किस में दें माइनस किस में दें, ये बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कब जब इस किट को नया नया यहाँ पर देख रहे हो या फिर इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। जिन्हें नॉलेज है वो तो सीधे इसमें पकड़ लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको पकड़ना कैसे। 3 और 4 पॉइंट को आप ट्रैक करेंगे, ये जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आप फाइंड कीजिए। इसका जो नेगेटिव है वो इसके साथ कनेक्टेड है चौथे के साथ, और तीसरे के साथ इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है। आप ध्यान दीजिए यही आपको ढूंढना है। देखिए ये देखिए 3 वाले पॉइंट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है जो यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक है और ये इधर पे जा रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर कैपेसिटर का हमारा पॉजिटिव है
और नेगेटिव तो यहाँ पर जुड़ा ही है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको फाइंड करना है। कभी भी आपको समझ में नहीं आता एम्पलीफायर में प्लस माइनस आपने कहाँ पर देना है 12 वोल्ट प्लस माइनस, तो आप उसके कैपेसिटर को पकड़ लीजिए पॉइंट के पास में जो कैपेसिटर हो, इसकी वैल्यू भी बता दें। बिल्कुल अलग है कैपेसिटर, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट से ही ज़्यादा रहेगी। देखिए 16 वोल्ट की है, अगर इसमें 12 वोल्ट आप इनपुट कर रहे हैं तो उसके ज़्यादा ही वैल्यू का होगा। तो 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, तो 16 वोल्ट के जो कैपेसिटर हैं, भले आप कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव पर आप इसको जोड़ लीजिए, भले ही 3 और 4 पर जोड़ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, गलत कनेक्शन नहीं करना होता, वरना एक कैपेसिटर फट सकता है, आपका किट खराब हो सकता है। अब इसमें इनपुट आउटपुट का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ब्लूटूथ जो आप इसमें लगाएंगे, यानी कि जो आप इसमें इनपुट सिग्नल के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, AUX के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पहले तो आप क्या करते थे इस किट में इनपुट के लिए, जैसे AUX ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते थे ना, तो इनपुट अब इसमें नहीं देना है। इनपुट सबसे पहले आपका इसमें आएगा, जो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लूटूथ मैं इस्तेमाल करूँगा, ब्लूटूथ से जो सिग्नल आएंगे हमारे लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड के, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड के जो सिग्नल आएंगे वो इसमें जाएंगे। इनपुट ये जाएगा लेफ्ट के लिए इसमें, और राइट के लिए इसमें इनपुट होएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट का इनपुट लास्ट के किनारों से हो जाएगा, और जो सिग्नल पूरा इसमें एम्पलीफाई होके आएगा वो आएगा आपका इन दोनों के रास्ते, ठीक है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, यानी कि 2 और 5 के रास्ते आउटपुट होगा। 2 और 5 जो है इसको आप 2 वायर यहाँ से खींचेंगे और यहाँ पर इस एम्पलीफायर में इनपुट में दे देंगे। इनपुट में जहाँ पर AUX इनपुट होता है वो इसमें जाएगा। आपको मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से भी अभी समझा देता हूँ, तब आपके लिए बेहतर होगा। देखिए ऐसे ही किट का मैंने कनेक्शन किया हुआ है, देखिए इस किट में मैंने ऑलरेडी कनेक्शन करे हैं, अब आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये 2 वायर है ना, ये हमारे इनपुट के हैं, एक इनपुट लेफ्ट एक इनपुट राइट। देखिए इनपुट इनपुट ये आपकी आउटपुट होगी जो आपकी मेन एम्पलीफायर पर चली जाएगी, AUX पे, AUX पे जो वहाँ पर जाएगी ना वो ये वाली चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपके आउटपुट हो गए, ये ब्लूटूथ से यहाँ पर सिग्नल गया, वहाँ से एम्पलीफाई हुआ और इस रास्ते आपका बाहर निकल गया बेस बनकर, और वो जाएगा सीधे इस एम्पलीफायर के AUX पॉइंट पे अटैच हो जाएगा, इस वाले में AUX पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट का है, बाकी बचे 2 वायर, ये आपके बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव होने हैं। आपको मैंने बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फाइंड करना है, तो 3 नंबर वाला आपका पॉजिटिव, 4 नंबर वाला आपका नेगेटिव ट्रेस करेंगे तो इस कैपेसिटर के आपके प्लस माइनस में वो जाता है। अब सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो ब्लूटूथ मेरे पास है ना, ब्लूटूथ से जो वायर आ रही है ग्राउंड को छोड़ के लेफ्ट राइट को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ग्राउंड को छोड़ देंगे और लेफ्ट और राइट को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, इन दोनों वायर को मैं निकाल लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, देखिए, और इन दोनों वायर को भी मैं अलग कर लेता हूँ। चलिए इन दोनों को भी मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ है, ये ब्लूटूथ से हमारा सिग्नल आया इस बेस के कार्ड पे। और एक चीज़ अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी हो तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो लंबी बनाता हूँ तो हो सकता है ऐसे लोग हमारी वीडियो से बोर होते हों, तो यहाँ पर जिन्हें नहीं आता वो देख लीजिए, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब ये जो वायर मैंने छोड़ी है ग्राउंड की है, इस ब्लूटूथ से लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड वायर निकलती है, तो ग्राउंड को हमने छोड़ लेना है और ग्राउंड को आप कनेक्ट कर लीजिए यहाँ पर नेगेटिव के साथ। कहाँ पर? ये जो आपका बैटरी का नेगेटिव आएगा, यानी कि इस पे आ रहा है ना, तो इसी पे आप इसको जोड़ लीजिएगा ब्लूटूथ का नेगेटिव। सारे ग्राउंड 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 जहाँ भी आपको मिलते हैं वो आपको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ लेने हैं, इस तरीके से। तो ग्राउंड यहाँ पे जुड़ गया, बाकी लेफ्ट राइट यहाँ पर ब्लूटूथ से आने वाला सिग्नल इसमें इनपुट कर गया है। अब यहाँ पर हम ये 2 हमारे बैटरी के हैं, ये हम फिर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको चला के भी दिखाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 और 5 पॉइंट की, मतलब एक के बाद दूसरा पॉइंट आता है, उसके बाद तीसरा चौथा, तो हमारा बैटरी का हो गया, पांचवा हो गया हमारा आउटपुट का। दूसरा और पांचवा आउटपुट होगा कहाँ पर? इस किट के लिए, मतलब इस एम्पलीफायर के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट से जो वायर निकलेगी वो हमारे इसके इनपुट में जाएगी। चलिए आपको बताते हैं इसमें इनपुट कौन सा है। इस एम्पलीफायर में आपको मैंने टोटली इसके बारे में पूरा डिटेल से बता के रखा, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसके पूरा मैंने इसका वायरिंग का बता के रखा। वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, अगर आप यहीं पर थोड़ा सा बेसिक सीखना चाहते हो तो वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले बात करूं इसके बैटरी की, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है, आपको बोला था ना मैंने, मेन कैपेसिटर यहाँ पर, जो इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पर है ना, इन मेन कैपेसिटर पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दे देना है बैटरी का 12 वोल्ट का। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों वायर में आप बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, 3 नंबर और यहाँ पर वाले में, ठीक है।
असल में 3 नंबर जो है घूम के यहाँ पर नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये 13 नंबर में नेगेटिव है। वैसे इसके अगर नंबरिंग की बात करूँ तो आपको नंबरिंग के द्वारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी वो ऐसी के पिन डिटेल से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से आप इसमें अगर ऐसे बोर्ड है तो नंबरिंग के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। देखिए इस वाले हम वायर को उठाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं, देखिए 7, देखिए इधर लिखा हो ना वायर रेड वायर के नीचे 7 8 9, देखिए 7 8 9 हमारा वॉल्यूम स्विच में जाता है, ठीक है, वॉल्यूम स्विच में 7 8 9 वॉल्यूम स्विच में जाता है, वो रहेगा आपका राइट का, राइट का वॉल्यूम स्विच। और बाकी बात करें 4 5 6 ये आपका लेफ्ट के वॉल्यूम स्विच पे जाता है ये वाला, ठीक है, लेफ्ट के वॉल्यूम स्विच पे कौन सा 4 5 6 पॉइंट जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर लगेगा वॉल्यूम स्विच के, पांचवा बीच में और छठा लास्ट में लग जाएगा, ठीक है, 4 5 6, बाकी 7 8 9 आपका वॉल्यूम के लिए बने हुए। और स्पीकर का इसमें आपने आउटपुट करना है 14 और 15 नंबर स्पीकर का, राइट स्पीकर। वैसे ही 16 17 16 17 आपका स्पीकर का, लेफ्ट स्पीकर का, ठीक है, इसमें पूरा नंबरिंग के हिसाब से आप इसमें इजीली इसके कनेक्शन कर सकते हैं। और लेफ्ट का किस में 16 17 स्पीकर, देखिए 16 और 17 जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन ले सकते हैं, एंड यहाँ का जो है 14 15 से स्पीकर का ले सकते हैं। बाकी वॉल्यूम स्विच के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 7 8 9 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है 4 5 6 7 8 9। एंड यहाँ पर बात करें तो आपका जो AUX का होगा, यानी कि जहाँ से आप सिग्नल इनपुट करते हैं, जो आपका कार्ड से सिग्नल इनपुट करता है यहाँ पर, या फिर जो ऑडियो जैक आप जो लगाते हैं AUX इसमें डालते हैं, वो आप इस इन दोनों वायर पे कर सकते हैं। ये दो आपके लेफ्ट राइट के हैं, एंड ग्राउंड आप 13वें नंबर से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर से ग्राउंड ले सकते हैं, ये देखिए जहाँ पर ब्लैक वायर लगी हुई है वो घूम के यहीं पर जा रही है 3 नंबर पर, ये भी आपका नेगेटिव का ही है। और जो कार्ड आप इसमें चलाते हैं वो 5 वोल्ट से चलता है, तो वो 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर 7805 एक लगा हुआ है, देखिए रेगुलेटर ऐसी यहाँ पर लगी हुई है 7805, यहाँ पर LM7805 रेगुलेटर ऐसी लगी हुई है। इसका जो पिन डिटेल्स होता है 7805 का, यहाँ से इनपुट और वहाँ से, यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट, यहाँ से 12 15 16 वोल्ट यहाँ से इनपुट करेंगे तो इस तरफ से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। बीच का ग्राउंड का होता है, एक तरफ से इनपुट होगा दूसरी तरफ से आउटपुट होगा और बीच का आपका ग्राउंड का होगा। देखिए देखिए 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पर दिए ना, तो आउटपुट की पिन ये है, ये देखिए, यानी कि 12वें नंबर पे और 13वें नंबर पे क्या होगा आपका ब्लूटूथ का प्लस माइनस लग जाएगा, 12 पे प्लस और 13 पे माइनस ब्लूटूथ का लग जाएगा। जैसे हमने उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कराया था ना, उसका जो प्लस माइनस होगा हम 12 13 नंबर पे जोड़ देंगे। आपको मल्टीमीटर में भी आपको चेक करवा के दिखा दूंगा, बाकी डिटेल उसके कनेक्शन आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने आपको फिर भी बता दिए हैं। अब बात करें इसके बेस टेबल के जो पोटेंशियोमीटर लगने हैं, वैसे अभी मैंने इसको जोड़ा हुआ है, बट यहाँ पर देखिए इस तरीके से बेस टेबल यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर ट्रेबल, यहाँ पर बेस, यहाँ पर ट्रेबल, यहाँ पर बेस, लेफ्ट राइट इस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने उसे जोड़ा हुआ है, ट्रेबल को यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, बाकी मैं कंट्रोल उसी से करूँगा जो मैंने यहाँ पर BT झनकार किट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी से कंट्रोल करूँगा। अब चलिए यहाँ पर एक तरफ से मैंने पोटेंशियोमीटर जोड़ लिया है वॉल्यूम के लिए, एक तरफ मैंने यहाँ पर बेस को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया है, बाकी बेस इसमें से कंट्रोल करूँगा। अब बात करते हैं, ये देखिए ये ऑडियो इनपुट का हो गया, ठीक है, ऑडियो इनपुट का हो गया। और ऑडियो इनपुट जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर आपके छोटे छोटे यहाँ पर ये लगे हुए रहते हैं, 104 नंबर के PF लगे हुए रहते हैं। देखिए इसको नैनो फेरेड बोलते हैं, NF भी बोलते हैं इसको, तो इसको शॉर्टकट में PF भी बोला जाता है, ये कैपेसिटर ही है। तो ये जो रेड कलर के 104 नंबर के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ से इनकी एक एक लेग जो खाली रहती है उसमें से आपका लेफ्ट राइट इनपुट होता है। तो यहाँ पर अभी इसको हम सेट कर लेते हैं और जो इनपुट के लिए है, अब क्या करेंगे हम इस मोंटी वाले कार्ड पर जोड़ लेंगे, यानी कि ये ब्लूटूथ से यहाँ पर सिग्नल इनपुट हुआ, इन दोनों पॉइंट पे सिग्नल इनपुट हुआ लेफ्ट राइट, और सिग्नल आउटपुट जो होगा वो आपका इन पॉइंट से होगा 2 और 5 नंबर के पॉइंट से, ठीक है। देखिए इस स्टेप से आप इसको कनेक्शन कर लीजिएगा 2 और 5, तो लेफ्ट राइट यहाँ से आपका सिग्नल निकल चुका है। देखिए बाकी आपने कुछ नहीं करना है, 2 और 5 में इसको जोड़ें। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से हुआ, यहाँ से सिग्नल आया इसमें गया, यहाँ से एम्पलीफाई होकर निकला उधर पर गया, बस ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सीरीज में चलते रहेगा, ऐसे आया ऐसे गया इसमें गया, ठीक है, बिल्कुल सीरीज में इसके कनेक्शन होने हैं। सबसे पहला जो ब्लूटूथ से आपका सिग्नल आएगा वो इसमें जाएगा, यहाँ से एम्पलीफाई होकर आपका इसमें चला जाएगा, बस। बाकी वैसे जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं ब्लूटूथ के जो आपके सिग्नल के लिए होते हैं वो AUX वाले इनमें जुड़ जाते हैं, बट हमें बेस का बनाना है तो बेस इसके द्वारा फिल्टर होकर आ जाएगा, बस यही इसके कनेक्शन है। अब हम 12 वोल्ट के इसमें कनेक्शन करते हैं, उससे पहले आपको बता दूँ जो ब्लूटूथ के लिए जो ब्लूटूथ का पॉजिटिव नेगेटिव है वो हमें किस में जोड़ना है, यहाँ पर 12 13 नंबर पे,
12 नंबर पे हमें पॉजिटिव जोड़ना है और 13 पे नेगेटिव, यानी कि 12 नंबर पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा रेगुलेटर से रेगुलेट हो गए, जो इसको चलाएगा ब्लूटूथ को चलाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। तो रेगुलेटर के से जो हमारे कनेक्शन आए थे ब्लूटूथ से, उसको भी हमने कनेक्ट लिया, अब ब्लूटूथ भी हमारा आराम से चल जाएगा 5 वोल्ट से। अब बात करते हैं इसको और इसको ऑन कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर इनपुट के लिए दो वायर दिए गए ना, ये प्लस और माइनस का, सॉरी ये प्लस और ये माइनस का, तो इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस से एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए इसको हम प्लस से जोड़ लेते हैं, यहाँ पर इस वायर में प्लस माइनस अभी हम देंगे बाहर बैटरी से, तो यहाँ पर इसे हम जोड़ लेते हैं उसी बैटरी से, प्लस माइनस इसको भी मिलता रहेगा, ठीक है। एक ही बैटरी लगाएंगे हम तो उसी से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। तो चलिए इसको जोड़ लिया है, आप यहाँ पे भी माइनस के साथ जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस है, देख 13वें नंबर का भी आपका माइनस का ही है, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे भी आपको माइनस या फिर ग्राउंड मिला है वहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं। वैसे भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस वायर की, तो यहाँ पर हम बैटरी का प्लस माइनस जोड़ लेते हैं, 12 वोल्ट देना है इसको सिर्फ, और ये आपका राइट का वॉल्यूम का है। अभी हम इसके कनेक्शन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आपको सिर्फ एक टेस्ट करके ही दिखाना है, तो यहाँ पर आपको एक ही चैनल में दिखाऊंगा क्योंकि एक ही स्पीकर अभी मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे स्पीकर को कहाँ पर जोड़ना है आपको मैं बता देता हूँ। चलिए जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम का स्विच मैंने इस वाले में लगा के रखा हुआ है, यानी कि इस वाले आईसी से कनेक्टेड है, तो इस आईसी में जो भी स्पीकर के लिए आउटपुट मिल रहे हैं 17 और 18 नंबर, ठीक है, उसमें जोड़ लेना आपने, 17 और 18 में स्पीकर का जुड़ जाएगा सिर्फ एक चैनल के लिए। दूसरे चैनल के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, आप उसमें जोड़ेंगे। फिलहाल भी एक ही चैनल के में हम कनेक्शन करेंगे, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो फाइनली ये जुड़ चुका है, अब हम बैटरी को इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो चलिए सब कुछ हो चुका है, अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपका स्पीकर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको बेस बहुत कम मिलेगा। बेस को बनाने के लिए किट के साथ साथ आपकी स्पीकर की क्वालिटी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीकर अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, बेस का होगा, तो आप बहुत अच्छा बेस यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि बेस एम्पलीफायर बनाता है, बिल्कुल बेस एम्पलीफायर बनाता है, उसके साथ आपका स्पीकर का बेस का होना भी ज़रूरी है। आपको स्पीकर में पर्दा कैसे फिट किया जाता है और इसके पर्दे को कैसे चढ़ाया जाता है, अगर उसका वीडियो देखना है तो वो भी देख लेना, उसका भी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। एम्पलीफायर हमिंग क्यों करता है एसी में, उसका वीडियो बना के रखा, वो भी आप देख लेना। सभी प्रकार की वीडियो जब अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, आपको सिखाता रहता हूँ, तो सब कुछ देख लेना। कुछ ऐसे स्पीकर्स भी होते हैं जिनमें बेस नहीं होता, तो उनमें कोई भी फ़ायदा नहीं उनको इसके साथ कनेक्ट करके। एक मिनट, यहाँ पर ऑन हो गया और ये ब्लूटूथ भी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। एक मिनट इसको लगाता हूँ और इसको ऑन करके आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज चेक करवा दूंगा सबसे पहले, जो हमारा ब्लूटूथ के लिए जा रहा है, सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लें। ये हमारा बैटरी का वोल्टेज, एक मिनट, ये हमारा बैटरी का वोल्टेज है और यहाँ पर आउटपुट जो निकल रहा है वो ये है 5 वोल्ट, एक्यूरेट 5 वोल्ट, क्योंकि रेगुलेटर जो होता है एक्यूरेट 5 वोल्ट आपको निकालता है, इसकी वजह से हमारा ब्लूटूथ चलता है। ये ब्लूटूथ 12 वोल्ट से अगर गलती से भी चला देते तो हमारा ब्लूटूथ ख़राब हो सकता है। अब चलिए मैं एक इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको मैं सुना देता हूँ। आप सुन रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल इसका साउंड है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने अभी एक ही चैनल को यहाँ पर अटैच किया है, यानी कि सिर्फ एक ही वॉल्यूम स्विच को अटैच किया है एक ही चैनल से, दूसरे चैनल के यहाँ पर दूसरा वॉल्यूम स्विच यहाँ पर अटैच करना होगा और वहाँ पर अपने वायर स्पीकर की जोड़नी होगी। अब यहाँ पर भी जब एक ही चैनल हमारा आउटपुट यहाँ पर कर रहा है, तो एक ही चैनल के लिए यहाँ पर इन दोनों स्विच काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लोज दिखाऊँ, ये दोनों पोटेंशियोमीटर हमारे काम करेंगे, यानी कि दोनों प्रीसेट हमारे काम करेंगे। अगर आप वहाँ पर दूसरा चैनल जोड़ेंगे तो तब आपको इन दोनों का काम भी यहाँ पर बन जाएगा। स्पीकर के ना होने की वजह से अभी मैंने सिर्फ एक ही चैनल को अटैच किया है, बाकी आप पीछे आप दूसरा चैनल अटैच कर सकते हैं। अब देखिए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर प्रीसेट को मैं धीरे धीरे इसकी
वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर जो बेस का सिर्फ दिया गया है इसको भी मैं बढ़ाऊंगा। देखिए किस तरीके से मैं ट्यून करता हूँ इसको, पहले सबसे पहले इसका साउंड कम कर लूँ और यहाँ से मैं सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। अभी स्पीकर कुछ भी यहाँ पर देखिए साउंड कर रहा है बट हिल नहीं रहा, बेस का बिल्कुल बेस करने के बाद जैसा हिलता है ना वो नहीं हिल रहा। अब देखते रहिएगा, अब देखिए यहाँ से बेस बढ़ाता हूँ, अभी भी नहीं हिल रहा, थोड़ा सा बेस बढ़ गया बट हिल नहीं रहा। देखिए आपको सुनाता हूँ मैं क्लोज करके, अब बेस बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। नॉर्मल एम्पलीफायर का बेस है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बेस दिखाता हूँ, ठीक है, इसका बेस दिखाता हूँ आपको। स्पीकर में देखते रहिएगा, यहाँ से पहले ट्रेबल बढ़ाता हूँ मैं, छनछनाहट इसकी जो होती है झनकार वाली। अब आपने इसकी झनकार सुन ली, अब इसका बेस बढ़ाता हूँ इस वाले प्रीसेट से, देखते रहिए। अब आपने सुन लिया होगा और अपने आंखों से देख लिया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए बेस कम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर ये पर्दा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ का बेस बढ़ा हुआ है, आप सोच रहे होंगे मैंने बेस यहाँ का मैंने कम किया, देखिए देखिए यहाँ का बेस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ये एम्पलीफायर का बेस है और इसका बेस यहाँ पर जब बढ़ा रहा हूँ तो देखिए स्पीकर पूरा हिल जा रहा। अब चलिए आपको एक बार इसके बेस को कम करके भी दिखाता हूँ। आप यहाँ से भी बेस कम कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेबल कम कर सकते हैं और यहाँ से भी, और अगर पावरफुल बेस चाहिए तो यहाँ से आपको ऑन करना, जैसे बेस किट में आपको सिर्फ बेस किट से ऑन करना होता है बिल्कुल वही सिस्टम इसमें भी है। ये छोटा मोटा बेस किट है और इससे आप होम थिएटर में यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं यहाँ से कम करके भी दिखाऊंगा बेस को, ठीक है। पहले यहाँ से कम, यहाँ का बेस बिल्कुल कम है, देखिए अब बढ़ाता हूँ, देखिए एक काम करता हूँ, अब बेस किट के कनेक्शन में हटा देता हूँ इसको, डायरेक्ट इस ब्लूटूथ को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैंने इस बेस किट के कनेक्शन इसके हटा लिए, देखिए जो यहाँ पर आउटपुट का था ना इसको यहीं पे जोड़ लिया है, मतलब इसको जो मैंने यहाँ पर बेस के साथ जो बाईपास था उसको भी हटा लिया है, इसका भी कोई भी काम नहीं है आपको लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको फुल कर देता हूँ, देखिए यहाँ को ट्रेबल फुल होता है, यहाँ को बेस फुल होता है, ठीक है, इसको हटा लिया है। अब यहाँ पर इस एम्पलीफायर का बेस आपको दिखाता हूँ और लाइव आपको मैं उसको जोड़ के भी दिखाऊंगा, देखते रहिएगा। एक मिनट सॉन्ग प्ले कर लूँ, सुनते रहिए, इसका बेस बढ़ाता हूँ, देखिए
देखिए कुछ बेस है एम्पलीफायर में, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर बेस किट के साथ इसको जोड़ता हूँ, देखते रहिए। देखिए बेस किट के साथ इसको जोड़ते रहता हूँ, फिर देखिए अचानक से स्पीकर हिलने लगेगा। देखिए अब देखिए देखिए अब आवाज बढ़ाता हूँ तब आपको ज्यादा बेस। देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब बेस में कितना डिफरेंस है आप सुन सकते हैं। पूरा फिल्टर होके बेस आ रहा है। ट्रेबल को कम करके देख लेते हैं। देखिए जैसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ होम थिएटर पे काम कर रहा है। देखिए सिर्फ बेस ही बेस आ रहा है, आवाज़ तो बहुत कम आ रही है, बिल्कुल होम थिएटर की तरह। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन पूरे होते हैं। अगर आपको डायग्राम का भी सीखना है तो चलिए बता देता हूँ, डायग्राम के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लूँ, थोड़ा सा साइड कर लूँ और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लूटूथ चिप है या कुछ भी है, ब्लूटूथ पैनल भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं आप। सिग्नल इनपुट करने के लिए AUX का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से सिर्फ आपको आउटपुट वायर का ही देखना है। देखिए यहाँ से ये ब्लूटूथ चिप एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ से आपका लेफ्ट राइट ग्राउंड, बीच का ग्राउंड है ये, लेफ्ट ये राइट है और बीच का ग्राउंड है, ठीक है। तीनों वायर आपकी निकल गई और बीच में आपकी ये बेस किट आएगी, बीच में आपकी बेस किट यहाँ पर आएगी। बेस किट का आपको मैंने बताया था ना, ये लेफ्ट और राइट यहाँ पे जुड़ जाना है और ग्राउंड आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा कैपेसिटर के ग्राउंड पे। और यहाँ से आपका फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर से आपकी क्या होगी, आउटपुट निकलेगी, ठीक है। इनपुट होगी यहाँ से सिग्नल इनपुट, यहाँ पर लेफ्ट राइट और ग्राउंड में इसकी इनपुट होगी और यहाँ पर आउटपुट निकलेगी। दो वायर यहाँ से निकलेंगी, चलिए एग्जाम्पल के यहाँ पर बना देता हूँ मैं। यहाँ से दो वायर फिर आउटपुट हुई और जो आपका मेन एम्पलीफायर है इसके इनपुट में लग जाएगी, यानी कि इसका जो AUX यहाँ पे इनपुट होता है ना उस पे यहाँ पर लग जाएगी। देखिए यहाँ पर लग जाएगी। अगर आपको किसी भी एम्पलीफायर का AUX पॉइंट ढूंढना नहीं आ रहा कि यार वायर वगैरह टूट चुकी है और लिखा भी नहीं भाई AUX कहाँ पे है, तो उसका भी ट्रिक बताता हूँ। किसी भी एम्पलीफायर को आप देखिए, एम्पलीफायर के वॉल्यूम स्विच के आसपास में देखिए, आपको दो इस टाइप के 104 नंबर के PF मिल जाएंगे, उसकी एक लेग खाली होगी तो वहाँ पे आपने इनपुट करना है। इस पर भी वीडियो बनाया, उसको भी देखना है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखना है। देखिए इसकी PF है ना, यहाँ पर इसकी एक पॉइंट खाली है बिल्कुल, ये सिर्फ इसी जगह पे है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पे बिल्कुल है लास्ट इसका। देखिए एक लेग यहाँ से अटैच्ड है, एक लेग सिर्फ खाली है, तो ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का PF हो गया। उसका वीडियो दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से बेस के कनेक्शन करे जाते हैं। बाकी रहे ग्राउंड के, ये जो ग्राउंड यहाँ से निकला उसको आप यहाँ पर ग्राउंड पर जोड़ लीजिए, जो बैटरी का ग्राउंड है वहाँ पर जोड़िए। इसका ग्राउंड, इसका ग्राउंड, इसका ग्राउंड, सब ग्राउंड एक ही होंगे लास्ट में आप चेक करेंगे तो यही ग्राउंड जो यहाँ पर मिल रहा है वही आप, अगर आप मल्टीमीटर चेक करेंगे तो वही आपको इसमें ब्लूटूथ के ग्राउंड में भी मिल जाएगा। समझ गए आप, नहीं समझे तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी इससे बेहतर सिखाने का तरीका मुझे नहीं पता। बाकी आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं अगर आप सीख गए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।